हेलो भाई, मैं हूँ सार्थक गौतम। आज आपको दिखाने वाला हूँ भाई होंडा सिटी। ये भाई बिल्कुल टॉप वेरिएंट है, इससे ऊपर भाई कुछ नहीं आता। सीवीटी वाला लाया हूँ आपके लिए, बिल्कुल टॉप वेरिएंट है। मतलब यार इसमें सब कुछ मिल जाता है, फीचर वगैरह मतलब सारे हॉट टॉप नॉच। मतलब ये मान लो इसमें जो स्पेस है वगैरह सब एकदम तगड़ा मिलता है भाई। इसका ना पूरा बात करेंगे, मतलब क्या है भाई 7 तो लाइट मिलती है इसमें, मतलब जो वैसी वाली होती है ना एलईडी, वो लाइट मिली है एलईडी कि होंडा सिटी। ये देख सकते हो, यही भाई आपकी DRLs हैं, यही आपके भाई LED हैं। मतलब ये 7 LED हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे 7 LED हो जाती हैं। 7 है कितनी है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है भाई। मतलब देखो कंट्रोल तो एक ही उससे हो रही है, पर हैं ऐसे मतलब 7 दे रखी हैं। और देखो ये पूरा भाई क्रोम का, मतलब ये देखो यहाँ तक जाता है पूरा। और यहाँ पे देख सकते हो क्रोम में भाई अपने शक्ल वगैरह भी देख सकते हो, जैसे मैं फ़ोन में वीडियो बना रहा हूँ ना। और देखो ये होंडा के नीचे लोगो होगा, ये भाई मैट में ग्रिल होगी आपकी। और भाई इतनी शार्प लाइट्स हैं इसकी, मतलब बहुत शार्प लाइट है। नीचे आप फॉग लैम्प देख सकते हो, ऐसे फॉग लैम्प मिल रहे हैं भाई। और पूरी लुक देखो, मतलब यार बड़ी प्यारी लगती है, मतलब बहुत बढ़िया लगती है देखने में। और जिसका कंफर्ट है ना, वो मतलब टॉप नॉच है, टॉप लेवल का कंफर्ट मिलता है। अब ये देखो ये आपका हो गया टोइंग हो गया। ये देखो कुछ एसेसरी का पार्ट है, ये एसेसरी का नहीं मतलब सॉरी उसका वो, ये कंपनी का ही पार्ट है ये। और देख सकते हो देखने में बढ़िया लगता है यार, मतलब बहुत ही शार्प शार्प सी फीलिंग देता है। और भाई जो इसके एरोडायनामिक्स है ना, वो यार इतने प्यारे हैं हाईवे पे तो। और इसमें जो भाई इंजन आ रहा है ना, वो आ रहा है भाई 1500 CC का इंजन आ रहा है भाई। मैंने माइक अभी बताता हूँ मैं इंजन के बारे में, कि भाई मैंने माइक इस वजह से नहीं लगाया भाई, वो तो धोखे से जाता है बीच बीच में। और इस चक्कर में मैंने माइक नहीं लगाया, अब मैं थोड़ा ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब थोड़ा बहुत नॉइज़ होगा तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है ना। फिर अब चलो दिखाता हूँ मैं आपको, कंटिन्यू करता हूँ। देखो 1500 CC का इसमें इंजन मिलता है, जिसमें जो पावर है ना 120 BHP की पावर मिलती है, 145 Nm का टॉर्क मिलता है। और भाई जो ये वेरिएंट का नाम है ना, ये भाई है ZX CVT, बिल्कुल टॉप मॉडल है, इससे ऊपर भाई इसमें कुछ नहीं आता। साइड में देखो एलॉय व्हील्स वगैरह देख सकते हो, डायमंड का बड़े प्यारे लगते हैं भाई। ब्रिजस्टोन के टायर हैं इसमें। और जो 185 देखो ऐसे ही जाता हूँ, 185 55 है और 16 inches के एलॉय व्हील्स हैं देख सकते हो। आपके 1, 2, 3, 4 नट मिल रहे हैं भाई, बीच में होंडा का लोगो देख सकते हो, मतलब बहुत प्यारे लगते हैं। अब ये देखो लुक भाई, ORVM थोड़ा सा ऊपर फोल्ड होता है, मतलब क्या लुक आता है, मतलब भाई बहुत तगड़ा लुक आता है भाई। ऐसा कुछ नहीं भाई, होंडा ने पैसे वैसे खिला दिए भाई, पैसा तो भी मोटिवेशन भी नहीं हुआ मेरा, मैं पैसा तो भी कुछ मिल ही नहीं रहे हैं। पर यार मुझे जो बताऊँ, गाड़ी की वीडियो बनाना बहुत पसंद, बढ़िया लगता है गाड़ी की वीडियोस वगैरह बनाना ना। देख सकते हो ये पीछे, आपके पीछे भी भाई अपना पीछे ड्रम मिलता है, आगे डिस्क मिलता है। देखो एक रिक्वेस्ट सेंसर ये हो गया, इसका भी फीचर बताऊँगा, मतलब इसमें बहुत तगड़ा तगड़ा फीचर है। क्रोम में डोर हैंडल्स मिल रहे हैं आपके। और देखो यहाँ पे मतलब डोर वाइजर वगैरह आप लगवा सकते हो एक्सेसरी में, यहाँ पे क्रोम वगैरह लगवा सकते हो एक्सेसरी में। पर भाई ऐसी कोई खास ज़रूरत लगती नहीं मुझे यार, मतलब देखो यार लुक वगैरह देखो, मतलब कितनी शार्प है भाई। सेडान तो होती है ऐसी हैं, आपकी सियाज हो गई, आपकी होंडा सिटी होगी, आपकी वरना होगी, वरना तो भाई बहुत तगड़ी है, लुक्स वगैरह उसके बढ़िया हैं। अब देखो अब पीछे आते हैं भाई, इसमें बात करते हैं। ये देखो आपके ये मतलब यहाँ पे भी जलती हैं लाइटें वगैरह, ये ऐसे दो पॉइंट अगर मैं जो दिखा रहा था ना, ये देखो भाई ये है, मतलब यार इतना प्यारा लुक आता है रात में इनका। देखो मैं थोड़ा सा डिम कर दिया, मतलब कैमरा का जो होता है, ये देखो ऐसे दो पॉइंट ये हो गई, तो पीछे से ये आपका पूरा लुक हो गया लाइट्स का, है ना। ऐसे नॉर्मली कर देते हैं और देखो ये ऐसे मतलब मिल जाते हैं दो पॉइंट ऐसे, और पूरा LED में भाई। अगर ये रात में जा रही हो ना, अगर सीधी अगर ऐसे दूर खड़ी हो तो भाई BMW सी लगती है कसम से। मतलब ऐसे माइंड मत करना, लेकिन हाँ थोड़ा सा लगता है फील इसमें है, गाड़ी बढ़िया है, मतलब लग्जरी है पूरी। ये आपके हाई माउंट स्टॉप लैंप हो गए, ये आपके भाई डिफॉगर, शाफिन एंटीना, सनरूफ भाई मिल रही है, सनरूफ भी काफ़ी अच्छी बड़ी है, सनरूफ है इसमें। होंडा का देखो लोगो हो गया, इसमें कैमरा हो गया, पीछे यहाँ पे नेम प्लेट वगैरह का सिस्टम है। और उसमें जो लाइट मिलती है भाई, वो भाई पीली ही मिलती है भाई। अब देखो यहाँ तक आई गए तो दिखा देता हूँ, 504-506 कुछ लीटर का बूट स्पेस मिलता है। और भाई जो सीट्स है ना, पूरी रिक्लाइन हो जाती है। और देखो ये ऊपर से यार, इन्हें ये काम करना चाहिए यार, ये काम नहीं हो पाता। अब देखो यहाँ से मतलब इन्हें थोड़ा सा ढक देते तो यार बड़ा अच्छा लगता देखने में, मतलब कितना पे। अब देखो यहाँ से इन्होंने ढक रखा है कितना अच्छे से, तो यार उधर से भी ढकना चाहिए था। चलो ठीक है, तो पर ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं। नीचे से देखते हैं तो भाई अच्छा नहीं लगता, लेकिन देखने में एक लैंप आपको मिल ही रहा है। और इसे करते हैं भाई बंद, कैमरा इसमें हो ही गया, ये आपके इंडिकेटर हो गया, ये आपका रिवर्स लैंप हो गया, सिटी की यहाँ पे बैजिंग होगी, होंडा की IVTEC की बैजिंग, जो इतना मशहूर इंजन है इसका। और देखो ये पता है हल्का सा, ये जो है ना ये एक्सटर्नल पार्ट है भाई, ये वाला जो है ना देख सकते हो, ये वाला वैसे आता नहीं है सिटी में ऐसे, पर लगवा सकते हो बाहर से। 4 आपके सेंसर्स हो गए। और लुक देखो भाई, वाइट कलर में बड़ी बढ़िया लगती है देखने में। और ये भाई देखो, ये आपकी ब्लू कलर में, कलर कौन सा पसंद है वो आप मुझे कमेंट करके बता देना, है ना। ये देखो ये भी आप देख सकते हो, एक ऐसे कार्बन फिनिश में दे रखा है, मतलब देखने में सही लगता है। और ये देखो रिफ्लेक्टर हो गया नीचे, अपना जो एग्जॉस्ट होता है वो आपका, है ना। 40 लीटर्स की पेट्रोल
कैपेसिटी मिल जाती है भाई 40 लीटर तक भरवा के आप आराम से इधर उधर घूम सकते हो। और भाई जो मैंने बूट दिखा दिया ना, अब देखो जैसे जैसे कि गाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि आपकी वो हो गई जो वोक्सवैगन की वर्टस आती है, उसमें क्या होता है, क्या होता है जैसे कि बटन दबाते हैं ना तो पॉपअप हो जाता है, जैसे बूट का बटन दबाते हैं ना पॉपअप हो जाता है। इसमें एक बार चेक करते हैं कि इसमें पॉपअप वाला फंक्शन है कि नहीं। पॉपअप वाला ऐसा नहीं है भाई, वो तो जो उसमें जो लगे होते हैं ना हाइड्रोलिक वगैरह जो टाइप के होते हैं उनका होता है कि उन पर कितनी दम है कितनी नहीं। चलो करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं होता है कि नहीं। भाई साथ के साथ इसकी चाबी और दिखा देता हूँ। देखो ऐसे पीछे इसमें मतलब इसे ऐसे करेंगे ना तो इसमें आप पीछे आपका फिजिकल की भी निकल जाती है, फिजिकल की निकाल सकते हैं। पीछे ऐसे होंडा का लोगो दे रखा है आपका, पर इसमें दिखाई नहीं दे रहा होंडा का लोगो, है ना। और ये देखो आपका बड़ी गंदी सी हो गई कि यार, देखो ये आपका लॉक का हो गया और इससे आपका अनलॉक हो गया। अनलॉक करेंगे ना तो ये देखो ऐसे मिरर खुल जाते हैं, कितने प्रीमियम लगते हैं देखने में, है ना। ये लॉक हो गया है ना, इससे तो गाड़ी अपनी ऑन हो जाती है और इससे अपना बूट खुल जाता है। बूट में पॉपअप देखता हूँ भी होता है कि नहीं। अब देखो ऐसे लॉक करके एक बार चेक कर लेता हूँ एक बार कि हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो तो भाई जा भैया चूल्हे में। अब देखो इसे शायद दूर से तो ऐसा तो नहीं, दूर से हो इसे देखते हैं बूट, बस यही पॉपअप नहीं होता यार, ये तो थोड़ा सा ही खुलता है। देखो ऐसे करेंगे तो इतना बूट खुल जाता है, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। अब भाई अंदर चलते हैं, बहुत देर हो गई बाहर बातें करते करते, ऐसे कुछ फीचर थे। अब देखो भाई यहाँ से तो देखो लॉक हो जाता है ना, यहाँ से लॉक हो गया। फिर इसमें जब हम हाथ डालेंगे ना फिर देखो ऐसे खुल जाती है। ये बड़ा प्यारा फीचर है, मतलब बहुत प्यारा फीचर है ये। अब देखो भाई इंटीरियर में आते हैं, इंटीरियर में चेक करते हैं मतलब क्या क्या मिलता है। देखो भाई इसमें सॉफ्ट टच हो गया भाई, ये अपने चारों ही ऑटो डाउन है, ऑटो अप है। देखो लॉक अनलॉक के, विंडो लॉक करने का, विंडो ये आपके डोर लॉक अनलॉक करने के, ये आपके एडजस्ट करने के, फोल्ड वगैरह सब उसमें हो ही जाता है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। भरा एकदम भरा हुआ इसका वो है यहाँ पे जो डोर वाला है। और यहाँ पे देखो बॉटल वगैरह रख सकते हो, यहाँ पे पेजेस वगैरह रख सकते हो अपना, और तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक वगैरह कोई सीट वगैरह फंक्शन नहीं है। और देखो भाई बेज कलर की सीट ऐसी हो जाती है, 6-7 एयरबैग्स आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और देखो ऐसा फुली लेदर की सीट से ऐसा तो कोई बात नहीं है, पर यार ऑटोमेटिक देनी चाहिए थी, मैनुअल है तो यार। अब देखो चलो यहाँ पे करते हैं, मैनुअली मिल रहे हैं भाई, पर कोई बात नहीं। बैठते हैं अंदर और देखते हैं भाई, बिल्ड वगैरह तो एक नंबर है गाड़ी की, बिल्ड वगैरह तो तगड़ी मिली रही है गाड़ी में, है ना। अब इसमें चालू करते हैं गाड़ी, देखो ऐसे गाड़ी भाई करती है स्वागत। देखो भाई ये इसका इंटीरियर मतलब यार बहुत प्रीमियम लगता है देखने में, काफ़ी प्रीमियम है, मतलब चीज़ों में जो क्वालिटी वगैरह है। देखो स्टेयरिंग रैप वगैरह हो गया आपका, और अपना ये जैसे कि प्लास्टिक वगैरह छूते ना, मतलब ऑल थिंग्स आर प्रीमियम है भाई, एकदम प्रीमियम मिलती है। देखो यहाँ पे आपका कोई सॉफ्ट टच वगैरह नहीं है लेकिन लगता प्रीमियम है। ये आपका सॉफ्ट टच है, ये देखो वुडन फिनिश मिल रही है भाई। टच स्क्रीन बस मुझे बेकार लगती है और तो कुछ नहीं, मतलब और तो फिर तो बढ़िया ही है, टच स्क्रीन इसकी बड़ी बेकार लगती है बस मुझे। यहाँ पे हज़ार लैंप ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हो अपना, यहाँ पे अपना म्यूज़िक कंट्रोल है अभी दिखाता हूँ मैं ऑन करके। ऑटोमेटिक एसी मिल रहा है आपका इसमें, और अपना मैक्स कूल वगैरह इसमें, काफ़ी तमाम फीचर मिल रहे हैं। देखो गाड़ी करते हैं ऑन, यहाँ से पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपका ये रहा यहाँ पे, और यहाँ पे अपना ब्राइटनेस वगैरह देखो यहाँ से करते हैं ऑन। देखो देखो पूरी स्वाइप अप होती है स्विच की, अरे भाई आराम से एसी वगैरह थोड़ा सा एक कम कर लो बस, है ना। यहाँ पे ये आपका फ्यूल लो वगैरह आ गया, इसका जो एडजस्ट में वो जो भाई आपकी जो MID है ना वो भाई यहाँ से एडजस्ट होती है देख सकते हो। मैं यहाँ पे वन एक्सपेक्ट करता हूँ, देखो रेंज फ्यूल टैकोमीटर वगैरह सारा, स्पीड टाइम जी मीटर इसमें जाते हैं ना तो ऐसे भाई आ जाता है बन के पूरा, है ना। और अपना रैप वगैरह करते हैं, सेफ्टी सपोर्ट सेटिंग कस्टमाइज इन्फॉर्मेशन वगैरह कस्टमाइज, जैसे डिस्प्ले करना चाहे ना वैसे भी कर सकते हैं। और इसमें तमाम फीचर हैं भाई, और जी मीटर स्पीड टाइम रेंज फ्यूल, जैसे रेंज फ्यूल वगैरह ऐसे बता देता है, मतलब ठीक ठीक बढ़िया फीचर मिल जाते हैं इसमें, उसके दिक्कत की बात नहीं। 220 की स्पीड की मार्किंग है भाई, 220 तक भाई इसे स्पीड में तुम भगा तो नहीं सकते हो लेकिन 180 तक तो आराम से चली जाएगी, 180 190 200 तक भी चली जाएगी। ये देखो यहाँ पे भाई आपका देखो लाइट वगैरह नहीं है, नॉर्मली मिरर है इसमें। ये देखो वाइट लैंप है आपके, देखो इसमें वो शायद उसमें रह गया था ना मैंने, इसमें देखो ऐसे। और ये आपके देखो चल गया ना, देखो वॉल्यूम कम है ना भाई, वॉल्यूम कम ही रखो। ये देखो यहाँ पे आपकी दो लैंप हो गई, आपकी सनरूफ हो गई भाई, बड़ी सी सनरूफ मिल रही है इसमें, कोई दिक्कत की बात है नहीं। देखो ऑटोमेटिक IRV में बड़ा तगड़ा लगता है देखने में, बड़ा प्यारा सा है। और देखो यहाँ से अपने डोर पे लाइट वगैरह कर सकते हो, और यहाँ पे भाई मिल जाता है देखो ये भी यहाँ पे कोई लाइट वगैरह नहीं दी है इन्होंने, ये थोड़ी सी दिक्कत करी है। देखो ये ग्लव बॉक्स हो गया भाई, इसमें इतना कुछ स्पेस मिल जाता है, ठीक ठाक स्पेस मिल रहा है आपको। यहाँ पे अपना मस्त भगवान जी की मूर्ति वगैरह रख सकते हो अपना। ये है भाई टच स्क्रीन, ये भाई ये क्या हो गया इसमें, है ना। ये मुझे पर्सनली बढ़िया नहीं लगती है टच स्क्रीन ज़्यादा, इसमें यार कुछ ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आता, और समझ में तो आ ही जाता है, समझ में क्यों नहीं आएगा। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह मिल ही जाता है इसमें,
ठीक है यार, अब सही है। रियर कैमरा देखो, जैसे लास्ट व्यू वगैरह ऐसे काफ़ी तमाम फीचर मिल जाते हैं इसमें, और यूएसबी सब मिल जाता है। फ़ोन वगैरह कर सकते हो अपना, जैसे कि करके अपना कनेक्ट करके, तो ठीक है। मतलब टच स्क्रीन तो ठीक है, मुझे ज़्यादा बढ़िया नहीं लगी। ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, मैक्स कूल का फीचर भी है इसमें, और यहाँ पे रियर का देख सकते हो, मतलब डिफॉगर वगैरह, फ्रंट का डिफॉगर और ये सर्कुलेशन, एसी अपना ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हो। ना स्क्रीन सी है भाई, बढ़िया सी लगती है देखने में। और देख सकते हो ये आपका हो गया यहाँ से, ये देखो ऑटोमेटिक सीवीटी है ना ये, तो देखो रिवर्स में दिखा देता हूँ मैं आपको। ये भाई मतलब पूरा देख सकते हो, कैमरा वगैरह ठीक है, कैमरा की क्वालिटी तो अच्छी है, अच्छी नहीं है भाई ये, ज़्यादा बढ़िया नहीं है कैमरा क्वालिटी। देखो ऐसे दिखाई दे जाएगा, और इसमें भाई पूरा पीछे क्लियर नहीं है। देखो नीचे का आ गया, ये आपका अल्ट्रा वाइड आ गया, ये आपका ये अल्ट्रा वाइड, दोनों ही अल्ट्रा वाइड से भाई, ये तो है ना, ये अल्ट्रा वाइड है वैसे तो, ठीक है ना। तो यही था इसकी टच स्क्रीन, मतलब सही है। और देखो यहाँ पे दो कप होल्डर मिल जाते हैं, कोई भी टाइप सी पोर्ट नहीं दिया उन्होंने, आगे पीछे देखता हूँ मैं, चेक करूँगा भी। यहाँ पे यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे देखो फोन वगैरह रख सकते हो, पर गिरने का भाई डर लगेगा। ये आपका माइक हो गया इधर आपका, और ये देखो ऐसा है कुछ, मतलब कुछ खास प्रीमियम सा नहीं लगता इसका सीवीटी वाला जो है ना, इतने मतलब कंपनियों में इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में दे रहे हैं ऐसे। तो देखो पी आर रिवर्स पे गए तो ऐसे कैमरा लग जाएगा आपका एन, और ये आपका होगा स्पोर्ट्स मोड। तो यही है भाई इसका, पी पे ही कर देते हैं। ये हो गया आपका हैंड ब्रेक, और ये देखो यहाँ पे मतलब स्टोरेज वगैरह मिल जाती है स्पेस, और यहाँ पे मतलब आर्मरेस्ट हो गया, स्लाइडिंग वाला नहीं है भाई, नॉर्मल ही है, लेकिन जो फिनिश वगैरह वो बढ़िया है, और तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये बड़ा गंदा गंदा सा लगता है देख सकते हो, ऑटोमेटिक होने के बावजूद, मतलब ऑटोमेटिक कितने प्यारे प्यारे गियर बॉक्स आ रहे हैं दूसरी कंपनियों में। ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिल रहा है आपका, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी अपना फ़ोन वगैरह कवर वगैरह ऐसा रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब देखो यहाँ पे पीछे, अब पीछे चलते हैं, मतलब और तो इसमें कुछ है नहीं आगे दिखाने के लिए, ग्रैब हैंड पीछे चलते हैं, अब देखते हैं पीछे मतलब क्या स्पेस वगैरह मिला है। और देखो भाई ऑटोमेटिक लैंप हो गए भाई, ऑटोमेटिक वाइपर हो गए इसमें, और देखो यहाँ से मतलब ये बटन है ना, इस बटन को जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पे अपना साइड का व्यू मिरर भी आ जाता है। एडास वगैरह के भाई फीचर मिल ही रहे हैं, क्रूज कंट्रोल वगैरह ऑल सेट है भाई गाड़ी में, यहाँ से अपना एडजस्ट कर सकते हो। देखो मतलब ऐसे ऐसे एडजस्ट होते हैं ना, मतलब देखो ऐसे घुमाना पड़ता है भाई, तगड़ा लगता है देखने में। यहाँ वॉइस कमांड हो गया, और ये आपका देखो फ़ोन उठाने काटने का, और अपना है ये पैडल शिफ्टर्स भाई मिल ही रहे हैं इसमें, स्टेयरिंग का एडजस्टमेंट, और देख लेते हैं कि कैसा है भाई, ऊपर नीचे है, और हाँ आगे पीछे भी भाई, ऊपर नीचे आगे पीछे, और बीच में होंडा का लोगो। हॉर्न वगैरह सुना देता हूँ इसका कैसा है, ऐसा हॉर्न मिलता है भाई इसमें। अब चलो भाई पीछे चल के देखते हैं पीछे भाई क्या स्पेस मिल रहा है। देखो एसी वेंट्स के अराउंड यहाँ पे मतलब जो होता है सार्टन फिनिश दे रखी है, यहाँ से आप लो वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, लो हाई कैसा चाहिए आपको, है ना। पुश स्टार्ट सब बटन हो गया, रेड कलर में चल रहा है, ट्रैक्शन ऑफ, और यहाँ पे हो गया लाइट लेवल का। इंजन भी भाई इसका खोल देता हूँ मैं, दिखाने के लिए भाई दिखाना तो पड़ेगा ना। ट्विटर आपके देखो दो ट्विटर, और पीछे चार स्पीकर मिल रहे हैं, चार स्पीकर दो ट्विटर का सेट है भाई इसमें पूरा। अब देखो पीछे के भाई सीट्स देखो, मतलब अल्ट्रा कंफर्टेबल सीट्स हैं, और ये देखो आपका पीछे सनशेड भी मिल रहा है आपका, इसमें बैठते हैं भाई पीछे और देखते हैं भाई ट्विटर इसमें। यार मैं कंफर्म करके बता दूंगा, चार ट्विटर और चारों स्पीकर मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे कोट हैंग वगैरह का ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हो, पर मतलब अगर ऐसे कोट टंगाओगे ना तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि हैवी इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब यहीं पर ऐसे ही रहे। और देखो ये आपका सॉफ्ट टच मिल ही रहा है आपका, है ना। ये आपका हो गया वाइट लैम्प, और यहाँ पे भी देख सकते हो मतलब स्पेस वगैरह यार कोई दिक्कत ही नहीं है होंडा सिटी में, मतलब इतना कंफर्टेबली बैठा हूँ मैं, अंदर थाई सपोर्ट वगैरह सब सेट है भाई इसमें। ये देखो SRS एयरबैग की इधर बैजिंग हो गई आपकी, पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है भाई, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं बताओ इतनी महंगी गाड़ी होने के बावजूद भी। देखो यहाँ पे दो कप होल्डर मिल जाते हैं, और यहाँ पे कर सकते हो फुली मतलब सीट्स बेंड हो जाती हैं आपकी, जिससे आपका बूट और भी बढ़िया बन जाता है ना। आपका देखो विंडोज हो गया, वो ऑटोमेटिक है फुली। अब देखो इसमें एंटी पिंच है कि नहीं पता नहीं यार, एंटी पिंच पर डर लग रहा था क्योंकि आगे वाली तो होती हैं, पीछे वाले का पता नहीं तो हाथ ही पिचक जाए पता चले। अब देखो यहाँ पे मतलब कुछ भी रख सकते हो अपना, यहाँ पे एसी वेंट्स हो गए, और यहाँ पे आपका हो गया कुछ भी रख सकते हो, दोनों आपके सीट वगैरह मिल रही हैं, और कप होल्डर देखो यहाँ पे मिल ही रहा है आपका, देख सकते हो इतना ठीक ठाक है कप होल्डर, कोई दिक्कत की बात है नहीं। स्पेस वगैरह एकदम टॉप नॉच मिलता है भाई, मतलब मज़ा आ गया इसे स्पेस, मतलब पीछे ऐसा है कि भाई कोई भाई आ गया अपना। देखते हैं इंजन, और देखते हैं क्या पावर है क्या है भाई, कैसा साइलेंट भाई इंजन, तो बिल्कुल साइलेंट है, पता नहीं चलता ऑन है कि नहीं। देखो वो तो खोल ही दिया है मैंने भाई, हवा भी चल रही है, हवा की भाई शोर है भाई, जो इसके जो वो है ना वाइपर वगैरह ये नॉर्मल ही है, रूटीन वगैरह नहीं है भाई। ये है इसका बोनट, यहाँ पे डैम्पिंग वगैरह भी वो रखी है, चार सिलेंडर इंजन है भाई, और 120 PS की पावर बनाता है, 145 Nm का टॉर्क है ना, यहाँ पे देख सकते हो, मतलब एकदम बढ़िया लगता है। मान लो मतलब देखो रैप करके भी दिखा दिया है ना। तो यही था भाई इसका होंडा सिटी का पूरा,
रिव्यू मेरी तरफ से देखो इसके वार्मिंग वगैरह कैसे लगे हुए हैं, देख सकते हो ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, मिलते हैं नई वीडियो में। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी टाइप सी बोर्ड नहीं है, मतलब गाड़ी में टाइप सी बोर्ड नहीं है इतनी प्रीमियम सेडान होने के बावजूद भी। ये देखो मतलब ऐसी आपकी 120 वोल्ट के पावर सॉकेट मिल जाते हैं और कुछ नहीं भाई, मतलब इतनी छोटा सा भाई पोर्ट होता है वो भी नहीं है भाई, क्या होगा यार। ये रहा कैमरा इसका, ये जो एक कैमरा है ना ये रहा यहाँ पे लगा होता है, फिर अपना पीछे दिखा देता है, अपना साइड का पूरा व्यू दे देता है ऐसे।